Hello friends, welcome to Dipyabha Creativity Zone. Thank you so much for all of your support and love. एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर से हूँ और आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा. और तो चलिए शुरू करते हैं. इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ पोहा, कुछ लोग इसको चूड़ा भी बोलते हैं, उसका बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो एकदम फटाफट बन जाता है. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ रेड बटन पे क्लिक करें और यहाँ जो घंटी है उस पे क्लिक करना ना भूलें. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पोहा, जिसको यूपी में चूड़ा भी बोलते हैं. इसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले अच्छी तरह से धो के रख दिया था, तो ये थोड़ा फूला हुआ है. तो भीगा हुआ पोहा चाहिए. हमें 3 आलू चाहिए. एक बाउल मैंने पोहा लिया है, उसमें मैं 3 आलू डालूंगी. एक मीडियम साइज महीन कटी हुई प्याज, 2 से 3 हरी मिर्च और अदरक घिसा हुआ, हरी धनिया कटी हुई, और इसमें हम ये डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम काला नमक, और थोड़ी सी हल्दी ली हुई 1/2 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार. तो ये सारे इंग्रेडिएंट हैं. इसके साथ हमें थोड़ा सा जीरा और गरम मसाला चाहिए. 1/4 चम्मच जीरा और गरम मसाला लेंगे. सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. जैसा कि मैंने बताया कि चूरे को अच्छी तरह से धो लेना है और 15 से 20 मिनट इसको एज इट इज़ रखना है. धोने के बाद छान कर इसको हम फिर मिक्सी में थोड़ा सा चला देंगे. हमें इसको 3 पर चलाना है, तो ये थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा. हम चाहें तो मिक्सी का यूज़ ना भी करें, हम इसको ऐसे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने मिक्सी में चलाया है. अब हम आलू लेंगे. आलू को हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे. आप चाहें तो आलू को ऐसे भी मैश कर सकते हैं. चूँकि बॉयल करके रखी हुई आलू है, इसलिए मैं इसको घिस रही हूँ. अगर गर्म आलू आपने बॉयल की है तो आप उसको तुरंत से मैश कर सकते हैं, और ये बहुत ही फटाफट बनता है. 3 मीडियम साइज़ की आलू मैंने मैश कर ली है. अब इसमें हम चूरा या पोहा डालेंगे जो हमने मशीन में चलाया था. तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आपको स्पून से नहीं मिलेगा. फिलहाल हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे. ये मैंने प्याज डाली है, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे. जैसा कि मैंने बताया, सारी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं कितना क्या डालना है. और ये मैंने हरी धनिया डाली, और इसमें हम जीरा डालेंगे और गरम मसाला डाला मैंने, और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे. नमक स्वाद के अनुसार डालना है, क्योंकि नमक की काफ़ी क्वालिटीज़ आ गई हैं. कुछ लाइट नमक होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग डालेंगे. मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को खाना है तो आप मिर्ची कम कर सकते हैं, और ये टिफ़िन में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं. बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे बड़े मन से खाते हैं. और इसको हमें हाथ लगाना पड़ेगा, हाथ से अच्छी तरह से इसको हमें मैश करना है, मिक्स करना है. ये देखिए इस तरह से. हम इसको हाथ से अच्छी तरह से मस लेंगे, और ये देखिए इस तरह से हाथ की मुट्ठी बनाएंगे. तो ये देखिए, जब मुट्ठी बनने लगेगी अच्छी तरह से, ये देखिए, दैट मीन्स कि अब ये इसका जो मिक्सचर है या डव है वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है. अब हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे. आप चाहें तो थोड़ा सा हाथ में तेल या रिफाइंड लगा सकते हैं. ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से, आप थोड़ा सा टाइट मुट्ठी बांधेंगे तो ये देखिए इस तरह से गोल गोल गोलियां बन जाएंगी. अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं. आप चाहें तो ऐसे राउंड राउंड जो स्पेयर है इसको भी आप ऐसे तल सकते हैं, गोल गोल पकौड़े की तरह. तो ये हो जाएगा पोहा का पकौड़ा. इसको अगर हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, दबा देंगे, तो इस तरह से ये टिक्किया बन जाएगी. हम इसको पोहे का कटलेट भी बोल सकते हैं. और ये मैंने ट्रायंगल शेप बना रही हूँ. मुझे ट्रायंगल शेप आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा, तो ये ट्रायंगल शेप बनाने से थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ जाता है. तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो शेप बना सकते हैं. टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, टेस्ट उसी तरह लगेगा. ये देखिए इस तरह से आप बना के रख सकते हैं.
हम इस टाइप का एक पैन लेंगे, नॉनस्टिक पैन रहेंगे, और उसमें हमें थोड़ा सा तेल डालना है, रिफाइंड या घी भी डाल सकते हैं। जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इस तरह से जो हमने टिक्कियाँ बना के रखी हुई हैं पोहे की, वो डालेंगे। और बहुत ही आसान है, अगर आपको पता है कोई मेहमान आने वाले हैं तो आप सारी तैयारी करके ये टिक्कियाँ इस तरह से जिस भी शेप में बनाना चाहें बना के रख लें, जब कोई आए तो आप बस गर्म गर्म फ्राई करके दे दें, या आप सैलो फ्राई मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी गोल गोल बॉल बना के भी आप फ्राई कर सकते हैं, तो वो पोहे के पकौड़े हो जाएंगे। जैसे हमें इसको सुनहरा फ्राई करना है, कि देखिए हमारे काफ़ी तैयार हो गया, और ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होता है, बहुत ही क्रंची होता है ऊपर से, और अंदर से उतना ही टेस्टी होता है, और बहुत ही आसान नाश्ता है, फटाफट बन जाता है। आपने देखा, ये देखिए देख सकते हैं हल्का ब्राउनिश हो गया है, सुनहरे कलर का हो रहा है। इसको हम निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, और आप चाहें तो एक टिश्यू पेपर इसके ऊपर और रख के इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तब तक मैं बाकी की जो राउंड शेप टिकिया है वो डाल रही हूँ। इसे हरी चटनी के साथ या टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये था मेरा बहुत ही टेस्टी पोहे का नाश्ता, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू।